लोग बताते हैं कि इस लड़कों पर दैवी शक्ति है। आंखों पे पट्टी बांधने के बाद आप देख सकते हैं इनके पिताजी जो हैं इस पट्टे को बच्चे के ऊपर बांध रहे हैं। आप देख सकते हैं इसको एकदम सही करके दिए हैं। इधर रेड है, इधर ब्लू है, व्हाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है। टिक द करेक्ट आंसर, ये सारी चीजें इन्होंने खुद बताई है, वो भी बिना देखे। आप सोच सकते हैं इस चीज को। और भी चीजें हैं। नमस्कार, स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अश्वनी पांडे। आप हमारे साथ एक बच्चा देख रहे हैं जिसका नाम महेश मिश्रा है। अयोध्या से चल के हम लोग आज लम्भा तहसील के मिश्रा के पुरवा में आ पहुंचे हैं। इस लड़के की लोग बताते हैं कि इस लड़कों पर दैवी शक्ति है या चमत्कार, कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग दैवी शक्ति बता रहे हैं। जानेंगे कि क्या सच्चाई है कि आंखों पे पट्टी बांधने के बाद ये भाई साहब जो हैं चीज़ों को सही सलीके से एकदम सही से एकदम चीज़ों को बता देते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। किस क्लास में है महेश मिश्रा जी? 8th में है। एट्थ में है। किस स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम। आपकी जैसे आप बचपन से ही इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? बचपन से इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं। तो आप ये जो करते हैं, जो ये कारनामा प्रसिद्ध हो रहा है, उपलब्धि हासिल किए हैं, इसके बारे में पहले बात श्रेय किसको देंगे आप? हमारे माता पिता और दादी बाबा को। दादी बाबा को, माता पिता को श्रेय देंगे। किस तरीके से आप ये सीखे हैं, कहाँ से सीखे हैं कि जो आप ये बिना देखे चीजों को बता देते हैं, बिना लिखे जो लिखा रहता है उसको बिना देखे छू के बता देते हैं? मेडिटेशन से सीखे हुए हैं। हम अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये करते हैं चीजों को। हम आपसे जरा कहेंगे चाचा जी की आंख पट्टी इनके बांधे, ये कॉटन है, आप देख सकते हैं ये कॉटन है और ये काले, हाँ ये डबल लेयर का पट्टा है। जिस तरीके से इस पट्टे को बनाया गया है या पट्टा है दिखेगा नहीं इनके आंखों से कि पट्टे बनने के बाद। अब बांधे इसको, आप देख सकते हैं इनके पिताजी जो हैं इस पट्टे को बच्चे के ऊपर बांध रहे हैं। और हम अभी इनसे ही पूछेंगे, जब आप पूछेंगे कि क्या है, क्या चीज लिखा हुआ है या कोई चीज है, नहीं कंफर्टेबल है। आप लोग देखते हैं क्यू बॉक्स भी है, इसको भी ये चेंज करके मतलब सही करके एकदम दिखाएंगे। ये भी कर लेते हैं ना ये चीज। सबसे पहले हम इसी से शुरुआत करते हैं, इसको आप करके जोड़ के सही सलीके से दिखाइए हमारे दर्शकों को। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इस बॉक्स को, क्यू बॉक्स को जो बोलते हैं, मैजिक बॉक्स या कुछ भी आप मान लीजिए, देखिए किस तरीके से करके ये दिखा रहे हैं आपको, किस तरीके से बता रहे हैं आप। ये अद्भुत कला है, इसको अद्भुत कला आप कह सकते हैं। नॉर्मल बच्चा जो है बिना देखे ये कर रहे हैं, नॉर्मल जो बच्चा होता है वो देखकर भी इतनी जल्दी इसको जोड़ नहीं पाता, इसको सही से कर नहीं पाता है, लेकिन ये करने का प्रयास कर रहे हैं और अंततः ये आप लोगों को कर कर भी दिखाएंगे। और भी चीजें हैं, हम उसको भी आपको दिखाएंगे इसके बाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये करके दिखाए हैं। अब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जूम करके दिखाएं, सब कलर एकदम सेम है जिस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। आप देखे हैं कितनी जल्दी इन्होंने किया हुआ है, एक नॉर्मल लड़का जो जिसके ऊपर आग पर पट्टी ना बांधी जाए वो क्या कहते हैं नहीं करके दिखा सकता है, लेकिन इनके आग पर पट्टी बांधी गई है, ये बिना देखे हुए इसको करके दिखाए हैं। हम और भी चीजें करेंगे। ये हम ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं इसमें एक कलर है, एक अल्फाबेट है, और हम इससे पूछेंगे क्या है ये, किस कलर का है। महेश जी ये किस कलर का है और क्या है ये? रेड कलर का बी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बताए हैं, इसमें कुछ नहीं है, बस रेड कलर का बी है ये।
आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये बताए हैं। और भी चीजें हैं, हम और भी लोग से और भी पूछेंगे। महेश जी ये बताइए क्या है ये? पिंक कलर का टू साइड में रेड। आप देख सकते हैं कि पिंक कलर का टू है और साइड में रेड है। ये आप मेडिटेशन से सीखे हैं जी? मेडिटेशन कितने दिन में आप इस कला को सीखे हुए हैं या कैसे मेडिटेशन करके सीखे हुए हैं? रोज सुबह मेडिटेशन करते हैं और एक्टिविटीज करते हैं, तो निरंतर चलता रहता है ये जी। मतलब और भी हम आपसे कहेंगे, जरा आप कुछ लिख के दीजिए, हम ही लिखते हैं। आप देख सकते हैं ये खाली पन्ना है, ये इधर भी खाली है और इधर भी खाली है, इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ है। आप लोग कह नहीं सकते हैं कि इसमें कुछ लिखा हुआ है, हम ये लिखते हैं, इसी में से कुछ देख के लिखते हैं, ये छू के या बिना देखे हुए बताएंगे महेश मिश्रा जी जो हैं। हम इसमें इस पेज में जो खाली पेज था बिना कुछ लिखा हुआ, इस पेज पे हम कुछ लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ये पढ़ के बताएंगे, अपने कैमरा में से जूम करेंगे, आप लोग देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये सही बताते हैं या गलत, आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। आप लोग इसको देख चुके हैं, अब हम देते हैं इनको, ये बताएंगे। महेश जी इसको लेके बताइए आप क्या लिखा हुआ है इसमें। लेट्स रिकॉल फर्स्ट व्हाट काइंड ऑफ cloth had a large market in Europe. Second, what is नहीं समझ में, उसके स्पेलिंग बता दो, समझ जाएंगे। हाँ ये पता नहीं क्या है। हाँ मेरी लिखावट को ये नहीं समझ पा रहे हैं। AMDA हाँ सही है जी। क्वेश्चन मार्क जी। What is BANDANA? हाँ आप देख लीजिए हमारी लिखावट को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन AGERIA हाँ ये देखिए आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये लिखा गया था। मेरी लिखावट को ये न समझ पाने के कारण इसकी स्पेलिंग जो है एक एक करके इन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं इस पट्टी में कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं ये देखिए एकदम पट्टी आंख छुपी हुई, आंख ढकी हुई है, कॉटन लगा हुआ है, उसके बाद डबल ब्लैक पट्टी है कि इससे कुछ देखा नहीं जाता, लेकिन कितने सही सलीके से ये इस चीजों को बता रहे हैं। हम इसको अब ये देखिए ये किताब है, सोशल साइंस किताब है, इसको हम देते हैं और पेज नंबर इन्हीं से खोल के देंगे और क्या इनको इनसे पूछेंगे किस पेज पे कौन सी चीजें हैं। महेश जी इस पे आप 73 पेज खोल के दीजिए हमको और उस पे क्या लिखा है इसको बताइए। अपने कैमरा मैन से कहेंगे जरा फोकस करिए आप इस पे। 73 आप देख सकते हैं ये 73 पेज इन्होंने खोल लिया है। कैमरा मैन से कहेंगे ये देखिए 73 पेज है, ये 73 पेज है और अब ये बताएंगे क्या लिखा हुआ है इसमें। आप देखते रहिए, कैमरा मैन से कहेंगे कि इस पे फोकस करें, जो लिखा है उस पे फोकस करें। ऑफ शोलापुर इन वेस्टर्न इंडिया एंड मदुरा इन साउथ इंडिया, दीज टाउन्स emerged as important now century of weaving in the late 19th century. Later during the national movement, Mahatma Gandhi arranged people woven cloth khadi gradually became a symbol of nationalism. The chakra came to represent India and it was put at the
सेंचुरी ऑफ ट्री कलर फ्लैग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस कांग्रेस अडॉप्टेड इन 1931। हाँ, देख सकते हैं आप किस तरीके से इन्होंने ये पढ़ के बताया है। ऊपर वाले पैराग्राफ में सारा चीज सेम लिखा हुआ है जो इन्होंने पढ़ के बताया है। एक बच्चा जो आठवीं क्लास का है, आप कितने साल के हैं महेश जी? 13। सोच सकते हैं आप, 13 साल का बच्चा जो कि आठवीं क्लास में पढ़ रहा है, वो सीधी बिना देखे इंग्लिश पढ़ के बता रहा है, एकदम सटीक इंग्लिश पढ़ के बता रहा है आपको। और जो बिना जो देखकर भी बच्चा, 13वीं क्लास का बच्चा इतनी सटीक इंग्लिश या इतने सही तरीके से नहीं बता सकता है। और भी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे महेश जी। और भी बुक्स हैं, हम उस पे भी जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। महेश जी, इस किताब में आप मुझे 20वें पेज पर खोल के दीजिए और उस पे जो चित्र है उस चित्र को बताइए, किस कलर का चित्र है वो? बीसवा पन्ना खुल गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बीसवा पन्ना है। ये आप देख सकते हैं कि 20वां पन्ना इन्होंने खोल कर दिया है, मैंने नहीं खोल के दिया है, ये खुद खोले हुए हैं। आप लोग ऑन कैमरा देख सकते हैं इस चीज को। महेश जी, इस पे क्या क्या है आप हमको जरा बताइए, हमारे दर्शकों को। एक्सरसाइज, यहाँ पे फ्लावर है, कैमरा मैन से कहूंगा कि बर्ड है, एनिमल है, लायन है जिसकी आंख नहीं है, रिवर है, आप देख सकते हैं। महेश जी, कुछ पढ़ के भी बताइए इसमें से क्या क्या लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं, 4 से 5 लाइन बस। Answer the following question. Exercises. Tick the correct answer. Match the following. State whether the given statement in true or false. If true, write the reason. आप सोच सकते हैं आप किस तरीके से ये बता रहे हैं, केवल हाथों से छूकर। आप देख सकते हैं सारा चीज सही था, आप इस स्काई ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है। एक्सरसाइजेस, द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, सेकंड पे है टिक द करेक्ट आंसर। ये सारी चीजें इन्होंने खुद बताई है, वो भी बिना देखे। आप सोच सकते हैं इस चीज को। और भी चीजें हैं, एक क्यूब बॉक्स और है, हम इस पे भी फोकस करेंगे और इसको भी खोल के इनको देंगे, इसको भी एक बार ये सही सलीके से और सही तरीके से करके दिखाएंगे आप लोगों को। आप देख सकते हैं ये है, सही है एकदम, ये एकदम सही है। इसको हम आपके सामने ऑन कैमरा हम बिगाड़ देते हैं और ये सही करके दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं आप, मैं बिगाड़ रहा हूं इसको, मैं स्वयं या मेरे कैमरामैन इसको सही करके नहीं दिखा सकते हैं बिना पट्टी बांधे हुए, और ये पट्टी बांध कर इसको सही करके अभी दिखाएंगे आपको। महेश जी, ये एक और है, इसको आप सही करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। कह सकते हैं कि कोई चमत्कार है ये, क्या कह सकते हैं कि कोई देवी शक्ति प्राप्त है। लेकिन बच्चा ये जो है मेडिटेशन से ये चीजें सीखा हुआ है और ये रोज अपनी ये काम करता है, रोज सीखता है, रोज निरंतर मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के चीजों को सीखता है। इसका श्रेय अपने माता पिता को उन्होंने दिया है, जो कि महेश मिश्रा है। सुल्तानपुर का लाल जो है कमाल कर दिया है, एक लंबुआ से निकल कर मिश्रकपुरवा के गांव के मिश्रपुर एक गांव है, जो कि इस एक छोटे से तबके से निकलकर इस लड़के ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़कर इन चीजों को ये कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेडिटेशन से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर मेडिटेशन को सीखें या मेडिटेशन को काम करें उस पर काम करें, निरंतर काम करते रहें तो आप भी कर सकते हैं। आप इस छोटे बच्चे से, 13 साल के महेश मिश्रा से, जो कि आठवीं क्लास में है, इससे सीखिए कुछ। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं इसको एकदम सही करके दिए हैं। इधर रेड है, इधर ब्लू है, व्हाइट है, ग्रीन है, ऑरेंज है, पांच कलर है, 1 2 3 4 5 कलर है, पांचों कलर इन्होंने सही करके दिया है। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे इसको, जूम करिए कैमरामैन जी, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इनको पूरा ये सही करके दिए हैं। ये काली पट्टी बंधी है लड़के पर, इन्होंने करके दिया है, जिसके ऊपर काली पट्टी या पट्टी नहीं बंधी रहती है वो भी नहीं करके रहता है इस चीजों को। और भी हम बात करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये नोट है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का नोट है, ये किस कै रुपए का नोट है। हम इनको देंगे, हम बोल नहीं रहे हैं क्योंकि इनको पता चल जाएगा, हम बिना बोले इनको देते हैं और पूछेंगे इस नोट पर संख्या क्या लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, और क्या कितने रुपए का नोट है, आप लोग संख्या इसको देख लीजिए, ये जो संख्या लिखी हुई है हम आपको पढ़कर भी बताएंगे। जब ये बता देंगे महेश मिश्रा जी, उसके बाद हम आपको पढ़कर भी बताएंगे किस तरीके का नोट है। महेश जी ये नोट लीजिए और इस पे क्या लिखा हुआ है, किस क्या 100 रुपए की नोट है, क्या लिखा हुआ है इस पे, क्या संख्या है नोट की, 3PG 94 5695। एकदम सही महेश जी, एकदम सही बताए हैं, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 3PG 94 5695। कैमरामैन आप दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, देख सकते हैं आप, फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं, 3PG 94 5695, मतलब 3PG 94 5695, ठीक है, ये 100 रुपए का नोट था। हम और चीज, हम एक लास्ट प्रश्न इनसे करेंगे अपने व्यक्तिगत बारे में, हम अपना व्यक्तिगत नाम आप लोगों को बता चुके हैं पहले से, लेकिन हम अपना घर का नाम बता रहे हैं, लिख के इनको दे रहे हैं, और हम कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी कहाँ के हैं, पैतृक निवासी कहाँ के हैं, वो लिखते हैं इस पेपर पे। आप सभी लोग देख सकते हैं ये खाली है, ये पेपर में कुछ लिखा नहीं है, आप पूरा देख सकते हैं, हम वो पूरी जगह आपको इस पेपर में लिख के दिखाएंगे। उसके बाद इनसे पूछेंगे क्या लिखा हुआ है इस पर, ये आप बताएं। आप लोग देख सकते हैं हम तीन लाइन में इसको लिखे हुए हैं, हम लाइन बताए हैं आपको, शब्द नहीं पढ़ के बताए हैं, शब्द महेश जी बताएंगे क्या क्या लिखा हुआ है। ये हमारा पैतृक निवास है, मूल निवास में मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, ये लोग इसको, ये महेश जी इसको पढ़ के बताएंगे और इसको इस पे पूरा ये बताएंगे। महेश जी इसको जरा बताइए क्या लिखा हुआ है इस पे। अमन पांडे प्योर CHURMANI पांडे का पुरवा का KUWARGANG फरीजाबाद, नहीं फरीजाबाद नहीं, फैजाबाद है, कोई बात नहीं, हमारी लिखावट में थोड़ा नहीं समझ पाए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर का जो अक्षर है, ऊपर की चीजें हैं, एकदम ये सही बताए हैं। हमारी लिखावट में थोड़ा गलती, मतलब लिखावट थोड़ी नहीं समझ पाए ये जो महेश जी हैं। हम महेश जी आप जा सकते हैं, हम इनके पिताजी से बात करेंगे। रोक देना, तो हमारे साथ महेश मिश्रा जी के पिताजी हैं, हम इनसे बात करेंगे। महेश मिश्रा जी के आप पिताजी हैं, आपका क्या नाम है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद जो इतनी दूर अयोध्या से आए आप लोग, लगभग 80 किलोमीटर दूर से। हाँ जी, और अब पूछिए क्या कहते हैं, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है जी। आप अपने बच्चे को कैसे प्रेरित करते हैं कि आप मेडिटेशन करें, इन चीजों को सीखें, कैसे, ये इतनी बड़ी उपलब्धि है तो आपको कैसा लग रहा है और कैसे प्रेरित करते हैं आप? देखिए कोई चीज होता है जैसे कि लड़के के अंदर ऐसा है कि हमको कुछ करना है जी, बचपन से ही कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक से लेके कुछ ना कुछ लेके करता रहता है। तो अभी बीच में बहुत सारा वीडियो बहुत लोगों का उसने देखा, मैंने भी देखा, मुझे भी लगा कि अगर ऐसा करता बच्चा तो शायद है कि हो जाता। तो मेरे और भाई भतीजे हैं जो लखनऊ में रहते हैं, उन लोग भी मेडिटेशन करते हैं और फिर इसने भी शुरू किया। अच्छा, और अच्छा तो बहुत लगता है, ये बड़ी उपलब्धि है तो सकते हैं, बड़ी उपलब्धि जी।
तो हमारे साथ ये महेश मिश्रा जी के पिताजी थे। आपने अपना नाम धर्मेंद्र मिश्रा जी बताया है, जो कि मिश्रा के पुरवा के गांव के रहने वाले हैं। एक छोटे से तबके से निकल के इस बच्चे ने कमाल किया है, सुल्तानपुर का नाम रोशन किया है। आगे अभी इनसे बात करेंगे, कभी और भी कुछ नया कारनामा करके दिखाएंगे अगर, तो उस पर बात करेंगे जी। इनका एक YouTube चैनल भी है। हाँ, एक इनका YouTube चैनल भी है, उस पर आप लोग एक्टिविटीज को देख सकते हैं, नई नई है वीडियोस अपनी अपलोड करते रहते हैं। महेश सुल्तानपुर के नाम से इनका एक YouTube चैनल है। Facebook पेज भी है, Facebook पेज भी है महेश सुल्तानपुर के नाम से, जो कि सुल्तानपुर का लाल अपने जिले के लिए कमाल कर दिया है, कमाल कर रहा है और भी कमाल करता रहेगा, हमें से उम्मीद है। इस लड़के को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए और इनके चैनल महेश सुल्तानपुर पर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और एक्टिविटीज जो हैं आपको उस पर, इनकी नई नई एक्टिविटीज आपको सुल्तानपुर के, महेश सुल्तानपुर के नाम पर चैनल पे मिलती रहेंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।